नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से विशेषण है। विशेषण के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेष को भी अच्छे से समझते हैं कि विशेष क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि विशेष पहले क्या होता है ये जान लें। विशेष कुछ नहीं होता है, एक एक तरह के समझ लीजिए संज्ञा होती है। तो जो भी हम लोग संज्ञा के रूप में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग संज्ञा पढ़ रखी है हम लोगों ने, तो संज्ञा में जो भी चीज़ उसे विशेष कहलाते हैं। लेकिन विशेष कब हम कह देते हैं कि ये विशेष है? जब उसके साथ विशेषण जैसा कोई शब्द जुड़ा हो, यानी विशेष वह है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो है विशेष। और जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सा, जैसा कि नाम वैसे जानेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो होता है परीक्षा में बच्चों को, वो विशेषण को लेकर उतना कन्फ्यूजन नहीं होता कि विशेषण होता क्या है, क्योंकि तो सब लोग पढ़ेंगे विशेषण वही होता है जो विशेषता बताता है। नहीं, कन्फ्यूजन होता है विशेष को लेकर कि विशेष ऐसी क्या चीज़ है। क्योंकि विशेष हम लोग जनरली क्या होता है कि जैसे कोई कहा जाता है काला घोड़ा, राम बहुत तेज दौड़ता है, या राम तेज दौड़ता है। तो राम तेज दौड़ता, राम दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? विशेष विशेषण है। लेकिन अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है हो जाता है कि विशेष क्या है। तो विशेष कौन? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी राम। तो राम तेज दौड़ता तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि तो राम विशेष हो गया। और जनरली हम लोग दिमाग में क्या रहता है कि राम क्या है? संज्ञा है। तो कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो संज्ञा होती है वही तरह का विशेष होता है, बस उसकी विशेषता बताई जा रही हो कहीं पर। कि बिना विशेषण का कोई सेंटेंस है तो फिर विशेष कहने का कोई आशय नहीं बनता, क्योंकि जो विशेषण है तभी विशेष है, और जब विशेष है तो वही विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी डिफिनेशन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए अब सर्वनाम ही बोल रहे हैं क्योंकि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। ये दोनों ही परिभाषा के रूप में प्रश्न आया है कि क्या कहते हैं इसे, या पूछ लिया गया विशेषण क्या होता तो उसकी परिभाषा सेंटेंस में दे दिया गया। उसको आपको टिक करना है ए बी सी डी, ऐसे विशेष दे दिया गया ए बी सी डी आप करें। विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद देखेंगे तो तीन मुख्य विशेषण के भेद हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखते हैं सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। अभी गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण बताएंगे उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, जब हम उसका टाइप बताएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अभी क्लियर कर देंगे उसको। लेकिन सर्वनामिक विशेषण जब आता है तब कन्फ्यूजन होता है। तो जैसा नाम वैसे ही उसकी परिभाषा और वैसे ही उसका एग्जाम्पल। सर्वनामिक विशेषण मतलब जो सर्वनाम जैसा हो। अब किस प्रकार का सर्वनाम? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ दें, यानी मैं तू वह वे ये सब छोड़ दें, इसको ना कंसिडर करें, तो हमारा इसके सिवा जो भी सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे वो सब सर्वनामिक विशेषण होंगे। के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, वह नौकर नहीं आया। अब देखिए, वह खाता अगर मैंने बोल दिया, वह पीता है, तब यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण नहीं है। लेकिन जब मैं वह का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा हूँ कि वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, तब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वह नौकर मतलब नौकर की विशेषता बता रहा सर्वनाम। वह नौकर कौन सा नौकर? वह नौकर। तो किस नौकर की बात कर रहे हो भाई? यहाँ तो कई नौकर हैं, तो हम कह रहे वह नौकर जो हम इशारा कर रहे हैं। यह नौकर मतलब यह घोड़ा, अगर किस घोड़े की बात करो, इस घोड़े की बात कर रहा हूँ, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, ना कि सभी घोड़े अच्छे हैं। तो हम घोड़े की विशेषता बता रहे हैं लेकिन इंडिकेट कर रहे हैं, यानी इंडिकेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, मतलब इंडिकेट कर नौकर के, वह नौकर, यह घोड़ा, ये इस के साथ उस विशेष का या संज्ञा का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम कहते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, वह जा रहा है, तो मैं किसी एक किसी विशेष का या किसी संज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वह के साथ वह को एज अ विशेषण बताने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो वह सर्वनाम विशेषण नहीं है। लेकिन यहाँ पर है तो वो बताए। अब आते हैं दूसरे के गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक जिस संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो। गुणवाचक मतलब कोई विशेषता गुण के रूप में बताई जा रही हो, जैसे काल। काल यानी समय का, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मतलब समय को इंडिकेट कर रहा है।
तो उस गुण के रूप में स्थान उजड़ा उजाड़ भीतरी बाहरी ऊपरी सतही दायां बायां देशीय क्षेत्रीय पंजाबी गुजराती ये किसी क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है, ये एक गुण है। आकार को आकार नामक गुण, जैसे गोल चौकोर सुडोल समान पीला लंबा चौड़ा इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रंग आइए, लाल पीला नीला हरा। दशा दुबला पतला मोटा गीला सूखा। गुण भला बुरा उचित झूठ दानी, दानी व्यक्ति है ईमानदार व्यक्ति है झूठा आदमी है, बोले तो गुण के विशेष। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब गुण को भी कुछ सीमित कर दिया जाए, किसी गुण को भी सीमित कर दिया जाए, जैसे बड़ा सा, बड़ा तो है लेकिन बड़ा सा लग रहा था, मतलब बड़ा तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा सोचे हैं। ऊंची सी, पीला सा, पीला तो है लेकिन पीला सा बोल दिया, जैसे सा लगा दिया मैंने, तो पीला तो है लेकिन बिल्कुल प्योर पीला नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैंने जो गुड़ था उसको सीमित कर दिया। छोटी सी बोल दिया, छोटी तो है लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है जितना बता रहे हैं, तो छोटी सी बोल रहे हैं, तो हमने गुड़ को सीमित कर दिया, तो उसको बोल रहे द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषण। तो ये गुड़ की विशेषताएँ बताने वाले प्रकार हो गए, ठीक है, समझेंगे। फिर आते हैं संख्यावाचक की बात करते हैं। संख्या जैसा नाम, मतलब संख्या को इंडिकेट करता हो, संज्ञा या स्वनाम की संख्या लक्षित करता हो, जैसे चार घोड़े 30 दिन कुछ लोग सब लग के, संख्यावाचक विशेषण के भी तीन भेद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक, जैसे बोल निश्चित जब बोल दे रहे हैं तो एक लड़का 25 लड़के, अब निश्चित संख्यावाचक निश्चित तो है, हम किसी चीज़ को निश्चित कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई प्रकार, जैसे गणनावाचक, गणना ऐसे कर दें 1 2 3 गणना करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्रमवाचक, इसमें क्रम चला, पहला है दूसरा है तीसरा, संख्या तो है लेकिन हम क्रम की बात करें, पहले ना पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति करें, दूना तिगुना चौगुना, मतलब किसी चीज़ को रिपीटेशन हो रहा है समुदाय में, मतलब कि पेयरिंग कर रहे हैं, अब पेयरिंग में कई लोग की पेयरिंग है, दोनों तीनों चारों पांचों छठों एक ग्रुप बना ले रहे हैं। प्रत्येक बोधक, जिसमें एक एक का बोध हो, जैसे प्रत्येक शब्द हर एक, दो दो सवा सवा, इस तरह से हम कह रहे हैं। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण देखें, जिसमें गणना की जा रही हो, अब इस गणना मैंने यहाँ बताया, पहले इसका भी प्रकार देख लें, दो भेद हैं, अपूर्ण बोधक विशेषण और पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक। कैसे? पूर्णांक 1 2 4 100, एक का दो का पूर्णांक है, कुछ आधा नहीं है, लेकिन जब अपूर्ण बोधक कहते हैं तो पाव आधा पौना सवा अपूर्ण है, अपूर्णांक है। परिमाण बोधक कहते हैं, परिमाण बोधक क्या होता है? जिसमें नाप तौल का बोध हो, यानी यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता हो, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा सा पानी, कुछ पानी, ये तो उदाहरण हो गया, लेकिन इसके भी दो भेद हो गए, एक निश्चित एक अनिश्चित। कैसे? जो निश्चित है उसको हम क्लियर कर दें, जैसे दो शेर घी कह दिया तो दो ही शेर घी रहेगा ना, 10 हाथ जगह, 10 हाथ के मैंने जगह नाप दी तो 4 गज मलमल, 4 गज मलमल नाप दिया, लेकिन अनिश्चित वजह में क्या है तो बहुत दूध, लेकिन मैंने बहुत दूध तो कहा, लेकिन बहुत क्या आपके हिसाब से बहुत कितना है? औसतन बहुत गिलास आप ले रहे हैं, एक गिलास ले रहे हैं तो वो पूरा भरा हुआ तो आप बहुत कह दें, या औसतन वही कम हो जाए जब एक भगोना रखा, भगोने भर दूध रख दिया तो औसतन वही बहुत हो जाए, तो इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। सब धन, अब मैंने कहा सब धन, अरे धन तो मैंने कहा, मैंने धन में कहा इतना नहीं कहा ना कि 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये 1 लाख 2 लाख 1000 2000, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, मैंने कहा सब धन। सब धन में तो हो सकता है कि 100 रुपये रखा तो वो 100 मिला के पूरा सब धन हो, और जब 500 रखा हो तो 500 मिला के सब धन हो, 1000 रखा हो तो 1000 मिला के सब धन हो, लेकिन निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। पूरा आनंद, अब पूरा आनंद मतलब कितना आनंद है, ऐसा कोई नाप तोल तो है नहीं, ठीक है, बस पूरा मैंने नाप तोल में बता दिया, ठीक है पूरा आनंद है, ठीक है। अब आते हैं प्राविशेषण, प्राविशेषण एक अलग है, प्राविशेषण होता क्या है, यह आता परीक्षा में, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्राविशेषण होता है। ये तो विशेषण मैंने कहा कि राम तेज़ दौड़ता है, लेकिन हमने कहते हैं राम बहुत तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ तो दौड़ता है लेकिन बहुत, मतलब तेज़ की भी विशेषता बता दे रहा है, तो राम बहुत तेज़ दौड़ता है या राम बहुत तेज़ विद्यार्थी है, तो क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय साहसी तो होते हैं लेकिन बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े क्या कर दिया, बड़े शब्द क्या है, प्राविशेषण है।
राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो तेज तो है लेकिन बहुत, तो बहुत क्या है, प्राविशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेषण विशेष होता है। अब इसमें बचता क्या विशेषण विशेष में, कुछ उदाहरण जो कैसे कन्वर्ट करें कि हम विशेषण को विशेष में कैसे कन्वर्ट करें, विशेष को विशेषण में कैसे कन्वर्ट करें, वो कुछ उदाहरण के रूप में वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जो जितने प्रकार थे और जो इसकी समझ थी वो मैंने आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है और उदाहरण भी आपको दे दिए। इससे आप इतना समझ जाएंगे तो आप आसानी से विशेषण विशेष को कर ले जाएंगे। लेकिन अब बचता है कि विशेष को विशेषण में कैसे कन्वर्ट करें, विशेषण को विशेष में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज़ें बचती। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।